मुस्लिम देशों में क्या है नागरिकता कानून, पाकिस्तान से लेकर कतर तक कैसे मिलेगी नागरिकता, क्या मुस्लिमों को आसानी से मिल सकती है सिटीजनशिप, किन शर्तों को पूरा कर लेंगे तो मुस्लिम देश के नागरिक कहलाएंगे। भारत में 11 मार्च 2024 से सीए लागू हो गया। रमजान से एक दिन पहले और लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इससे मुस्लिम समाज को आपत्ति हो गई है। कई नेता भी मुस्लिमों के हितैषी बनने के लिए सीए का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार के विरोधी सीए लागू किए जाने के खिलाफ आवाज मुखर कर रहे हैं। भारत के इस नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता मिलने का प्रावधान है जो यहां शरण लिए हुए हैं। लेकिन क्योंकि सीए में मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए हायतौबा मची हुई है। कह सकते हैं कि भारत में सीए के लागू होने पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम देशों में भी नागरिकता मिलना आसान बात नहीं है। मुस्लिम देशों में मुस्लिम समाज के ही लोगों को नागरिकता पाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो हम मुस्लिम देशों में नागरिकता मिलने का तरीका जाने उससे पहले जान लेते हैं कि नागरिकता मिलने का सिंपल रूल क्या है। पूरी दुनिया में नागरिकता पाने का अमूमन कौन सा नियम फॉलो किया जाता है, तो चलिए जानते हैं नागरिकता पाने के 3 नियम। राइट ऑफ सॉइल। इस राइट के मुताबिक बच्चे का जहाँ जन्म हुआ है वो अपने आप वहाँ का नागरिक बन जाता है। राइट ऑफ ब्लड। इस राइट का मतलब है कि आपके पेरेंट्स जहाँ से हैं आप भी वहीं के नागरिक कहलाते हैं। राइट ऑफ नेचुरलाइजेशन। इस तीसरे नियम में एक देश के नागरिक को दूसरे देश की नागरिकता पाने के लिए एक सिंपल रूल को मानना होता है कि 5 साल से लंबा वक्त दूसरे देश के नागरिकता पाने के लिए वहाँ गुजारना पड़ता है। तो अब आप नागरिकता मिलने के सिंपल रूल को तो समझ ही गए। चलिए अब जानते हैं कि किन देशों में जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है। कनाडा, अर्जेंटीना, बोलिविया, इक्वाडोर, फिजी, ग्वाटेमाला, क्यूबा, वेनेजुएला। हालांकि इनमें से कई जगहों पर ज्यादा सख्ती है और साथ में यहाँ राइट टू ब्लड भी जोड़ दिया जाता है। शर्त रख दी जाती है कि बच्चे के माता पिता दोनों को उस देश का होना चाहिए, तभी बच्चे को नागरिकता मिल सकती है। अब जानते हैं मुस्लिम देशों में मिलने वाली नागरिकता के बारे में। पाकिस्तान। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की लगातार कमी हो रही है। यहाँ जबरन धर्मांतरण की भी बातें सुनने को मिलती है। पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम धर्म होने से नागरिकता नहीं मिल जाती। कोई भी विदेशी कम से कम यहाँ 4 साल बिताने के बाद ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। बांग्लादेश। बांग्लादेश में ब्लड राइट चलता है। अगर किसी के पेरेंट्स का जन्म वहाँ हुआ हो तो नागरिकता मिल जाएगी, हालांकि इसमें भी कई शर्तें हैं। बांग्लादेश भी मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन यहाँ भी सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से सिटीजनशिप नहीं मिलती। कतर। कतर की गिनती अमीर मुस्लिम देशों में होती है। कतर की नागरिकता पाना भी मुश्किल माना जाता है। कतर की नागरिकता के लिए वो आवेदन कर सकता है जिसके पेरेंट्स में से कोई एक कतर में जन्मा हो। अगर आप विदेशी हैं तो कतरी सिटीजन कहलाने के लिए आपको 25 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है। यहाँ नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया काफी लंबी है। ईरान। ईरान में जन्म के आधार पर सिटीजन कहलाते हैं। अगर फॉरेन नेशनल वहाँ बसना चाहे तो उन्हें कम से कम 4 सालों तक देश में रहना होगा। इराक। इराक में भी ईरान की तरह ही नियम लागू है। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि सताए हुए मुस्लिमों को शरण मिल जाए। जैसे गाजा का ही मामला लें तो लगभग सारे मुस्लिम देशों ने उसके लिए आवाज तो उठाई, लेकिन वहाँ के नागरिकों को शरण नहीं दी। सऊदी अरब। सऊदी अरब में नॉन सऊदी पिता और सऊदी माँ से जन्मी संतान को नागरिकता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए कई शर्तें हैं। जैसे उनके पास परमानेंट रेजिडेंसी हो, वो फराटे से अरबी बोलता समझता हो और उसकी माँ के माता पिता भी सऊदी से ही हो। यहाँ पर सऊदी राष्ट्रीयता कानून है, इसमें भी कई नियम हैं जिन्हें पूरा करने वाला ही यहाँ का नागरिक कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि दुनिया भर के मुस्लिम देशों की नागरिकता पाने के लिए कितने जतन करने पड़ सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता था, आखिर मुस्लिम देशों में नागरिकता का क्या प्रावधान है? और अब जब देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है तो फिर मुस्लिमों का इस मामले में अगला कदम क्या हो सकता है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।